हाय गाइस, दिस इज रेकी रोनी। वेलकम टू आर आर गैराज अगेन। सो आज अपने आगे खड़ी है R15V3 ब्लैक एडिशन में। तो भाई मैं एक सच बात बताऊं तो ये दो तीन कलर में आई थी और सबसे अच्छा कलर मेरे को यही लगता था। इसमें एक रेड आता था, एक पर्पल आता था, एक ब्लू सा आता था, थोड़ा वही हाँ ब्लू ही आता था। इसको पता, ये लेना चाह रहा था इसको R15 को। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये आज के टाइम पे V3 लेना वर्थ है कि नहीं V4 आने के बावजूद? क्या क्या लगता है मनीष भाई कि आज के टाइम पे लेने कैसी रहेगी? न्यू वर्जन ही लो, नया नया, मतलब नई नई फील आए। V3 में इसलिए ठीक है क्योंकि ये मेरे हिसाब से ना V3 है ना V4 से ज्यादा थोड़ी पावरफुल है भाई। जितना उस V3 और V4 में जितना फर्क है ना, वो बहुत गंदी कह दूंगा मैं, क्योंकि उसमें ना बहुत ही माइनर फर्क है और जो पता ही नहीं लगे। तो पावर होती है भाई, देख तेरे को आगे कितनी सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है उसमें। सबसे बड़ी बात तेरे को क्विक शिफ्टर मिल रही है, तो अगर आपके पास रेट भी बढ़ रहा है। हाँ रेट बढ़ रहा है 15,000 के आसपास का। वो ये लुक आपको अच्छा मिल रहा है, नया लुक मिल रहा है जो अपना V4 का है, वो अपना R1M वगैरह के टाइप का आ जाता है, R1 के टाइप का लुक आ जाता है R15 V4 का। तो उसके अलावा भाई अब बात करते हैं अपनी इस बाइक की, और 155 cc का इंजन आता है इसमें जो 18.37 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 10,000 rpm के साथ। और हालांकि इसकी बात करें अपने नितिन भाई ने, जो इसके ओनर है, उन्होंने इसको चलाया 148 हाँ चली जाती है ये, और जाने को 150 भी जा सकती है। कुछ अगर वेट का भी डिडक्शन हो, जैसे कि राइडर इसका हल्के वेट का हो, तो वो ले जाएगा 150 तक इसको आराम से। ये अपनी डुअल चैनल ABS के साथ आती है। तो भाई अब तू बता क्या कह रहा है, हमने इसमें वेट भी थोड़ा ज्यादा हो गया ना भाई हमारा, इसलिए मॉडिफिकेशन का चली जाती। देखिए हो गया, नोज हो गई, ये हो गया। हाँ तो अब सारी चीज मैं मॉडिफिकेशन पे भी आऊंगा मैं धीरे धीरे करके। तो उसके अलावा भाई अब बात करूँ भाई, अपने ये चीज़ तो मैंने बताई थी कि ड्यूअल चैनल ABS आता है। और भाई एक और चीज़, जैसा कि ABS अपना अपाची में भी आता है, अपाचे में, NS में, इनमें अपने को मिलता है ABS, लेकिन ना इनका काम का ही नहीं होता है ABS, पता होगा तेरे को, वो फिर भी टायर्स किट करता ही करता है भाई। स्पोर्ट्स बाइक में भाई ये आ गई अपनी R15 जो बिल्कुल वैल्यूएबल आ जाती है ABS के मामले में। और उसके अलावा भाई अब बात करते हैं इसकी टॉर्क की, 14.1 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है 8500 rpm के साथ। तो भाई पावर की तो कहीं पे कमी ही महसूस ही नहीं होती, लेकिन वही बात है अगर दूसरा बंदा जहाँ इस बाइक पे बिठा दिया तो ये बाइक कहीं पे मतलब स्टैंड ही नहीं होती कि इसके साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसी के कंपेयर में हम NS200 को ले या RS200 को ले, दो बंदों में वो इतना मतलब एफर्ट नहीं लगाती जितना कि ये लगा देती है। माइलेज पे भी इस पर जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है दो बंदों के साथ। अब माइलेज की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो माइलेज की बात बता देते हैं। इसकी माइलेज है भाई अराउंड 42 और दे देती है आराम से, जो अगर हाईवे बिल्कुल मक्खन चलाए कोई बंदा, क्रूज करके चलाए एक स्पीड पे 45-47 तक दे देगी भाई, प्यार से दे देगी। हमारी ने शो करी है भाई 48 मैं शो करी है, लो और बोलो। तो अब आ जाते हैं भाई साफ सीधा मॉडिफिकेशंस पे, ज़्यादा वीडियो को एक्सटेंड नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये भाई वाइज़र कंपनी भाई देती है ट्रांसपेरेंट। तो भाई तेरे को अच्छा कौन सा लगा, ये वाला या ट्रांसपेरेंट वाला? बढ़िया तो टिंट वाला लगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल बात बताऊं मैं, जो बंदा इसे अगर भगाने के लिए लेता है ना, तो इसमें आपको इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती जितनी कि ट्रांसपेरेंट में मिल जाती है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा हमें डिसएडवांटेज मिल जाता है इस वाइजर के साथ। हाँ तो उसके अलावा भाई आ जाते हैं नोज़ पे। ये नोज़ भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है। पहले इसमें ऐसी मॉडिफिकेशंस थे कुछ कि एक रेड पट्टी यूँ आ रही है, एक यहाँ पे इन पे यूँ आ रही है, तो मतलब बहुत वैनम लुक। अब वैनम का नाम छेड़ ही दिया है, तो भाई ने वैनम नाम रख रखा है अपनी बाइक का, जैसा कि नीचे आपको दिख रहा होगा वैनम, ऐसा ही की चैन है वैनम के नाम से। तो ये भाई अपना DNP ब्लॉग्स के नाम से भाई का चैनल है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं और वीडियोस लेके आते हैं भाई अपने लिए। तो उसके अलावा आ जाते हैं फ्यूल टैंक के फ्यूल प्रोटेक्शन किट पे, यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, टैंक पैड बोलते हैं जिसे, जैसा कि भाई ने बताया। तो और उसके अलावा ये आ गए अपने क्रैश गार्ड्स। तो ये चीज़ तो भाई बड़ी प्रैक्टिकल है, अगर आपको अपना टैंक बचाना है, ग्रिप बढ़िया रखनी है,
तो ये चीज बड़ी प्रैक्टिकल चीज है भाई। कुछ तो आवाज नहीं आ रही होगी आपको, उसका रीजन बता दूं, हवा बहुत तेज चल रही है आज, जैसे कि आज मौसम बड़ा सही था, बारिश भी हुई थी। तो उसके अलावा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, ये चीज मस्ट भी है ये टैंक पैड, क्योंकि भाई स्क्रैचेस लग जाते हैं पैंट में, तो उसमें जिप वगैरह के स्क्रैचेस, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अपना जो ये है ना, ये माउंट एडजस्ट करने का, यहाँ पे अपना बंदा माउंट एडजस्ट कर सकता है गोप्रो के साथ, और ये भी बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, अपना भाई ब्लॉगर है तो इसको भाई चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा भाई ने अपने इंडिकेटर हटवा रखे हैं, क्रैश गार्ड तो चलो बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, कई लोग कहते हैं, जैसे मैंने निंजा वाले भाई का बताया था कि भाई वो कुछ काम के नहीं आते, लेकिन जो ये चीज़ है ना भाई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, काफ़ी काम की चीज़ है ये, और आपकी बॉडी को और बाइक को बहुत हद तक बचाती है। क्यों मनीष भाई, क्रैश गार्ड्स काम आते ही नहीं आते? बहुत काम के। अब उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं इंडिकेटर, ये बॉडी के साथ ही लग रखे हैं, ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकल रखे, ये बड़ी अच्छी चीज लगी, वो भाई बड़ा ओड सी फील देती है, जो बाहर से निकल जाते हैं कितनी भद्दी सी लगती है वो, और यहीं पे ये कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। और पीछे भी भाई ने चेंज करवा रखी अपनी जो टेल टाइडी जिसको बोलते हैं, तो उसका भी सिस्टम बता देता हूँ मैं। पहली बात तो इसमें रिले लगी हुई है और KTM वाले इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो मैं चला के दिखा देता हूँ, KTM टाइप इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो ये भी दिखा देता हूँ भाई। अब रिले देख लो, देयर इज रिले, रिले जो वर्क करती है अपनी इनको चलाने के लिए। अब ये देखो भाई, जो भाई ने काम करवा रखा अपनी R15 में, ये पीछे जो अपनी लाइट्स लगवा रखी है, रिसेंटली भाई ने अपनी बाइक में लगवाई है ये, और रात को बड़ी बेहतरीन लगती है ये। और एक और चीज़ है, फोटो वोटो खिंचवानी हो ना, तो इस टेल टाइडी को ना नंबर प्लेट को ऐसे पीछे कर दो, और भाई अब जरा बताना मेरे को कि क्या लुक दे रही है ये रोड पर चलती हुई, कैसी लगेगी है मनीष भाई, कैसी लगेगी? आग लगेगी, लेकिन वही है अपनी टेल टाइडी, और ये टायर का ये हटवाने के बाद ना पीछे वाले की ऐसी तैसी हो जाती है, ये आप निशान देख सकते हो, सीट तक भी आ रखे है, यहाँ तक आ रखे निशान, डार्क हो चुके हैं ना ये, बना उतरते भी नहीं है गाड़ी, बाइक को धुलवा के लाए भाई, 10-20 की स्पीड पे लाए हैं, फिर भी इतना सब कुछ गंदा हो चुका आगे तक। तो ये अपने कुछ इंडिकेटर है इस टाइप के, यार ये चीज़ बताऊं तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सही बात, प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं, हाँ लेकिन ये जरूरी होते हैं। अगर किसी भाई को करवाने हैं ना, तो अपने ना पल्सर RS 200 के ना वो लगवा लो भाई, वो द बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है इंडिकेटर्स में, कोई चीज़ नहीं है भाई, अगर KTM में जाओगे थोड़े और पैसे बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं है। हाँ बस ये चीज़ है, और KTM में जो ड्यूक है, ड्यूक के और RS 200 के सेम इंडिकेटर है, बस ये है कि KTM में जाके पैसे बढ़ जाते हैं आपके, बस दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं अपने भाई नेक्स्ट पॉइंट पे, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ना बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हो कि R15 V3 कितना ही मस्त लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई हाँ इस पे रेड कलर की थोड़ी सी वो दे रखी थी लाइनिंग सी, आउट लाइनिंग सी, जो भाई सूट कर रही थी इसके साथ, तो उसी के साथ जो अपनी ग्रिल थी ना चलते हुए दिखती है, तो आपको एक और चीज़ दिखी होगी, और वो चीज़ है भाई ये भी भाई रात के लिए द बेस्ट है, जो भाई ने काम करवा रखा है ना इसमें, एक नंबर का काम करवा रखा है, वो धीरे धीरे बताऊंगा, अभी लाइट